चैनल, मैं हूं श्वेता सिंह और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं कि बिना आटा गूंथे पराठा कैसे बना सकते हैं। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कभी कभी टाइम नहीं रहता है तो इस रेसिपी को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी इस रेसिपी को ले सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और इस तरीके से आप कोई भी पराठा बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं प्याज का पराठा बना के शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनते हैं। इस वीडियो को देख के इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अभी चॉप करूँगी, तो ये मशीन मैंने ली है। अगर आपके पास ये चॉपर है तो इसमें सब्जियाँ बहुत अच्छे से चॉप होती हैं। एक बड़ी प्याज को ऐसे स्लाइस में काट लिया है और थोड़ा सा लहसुन, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया मैं काट के इसमें डाल दी हूँ। अब बस इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे चॉप कर लेंगे इस तरीके से। अगर आप इससे चॉप करेंगे कोई चीज़ तो बहुत अच्छा चॉप होता है और हमारे किचन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो मैंने लहसुन, धनिया, मिर्च और प्याज डाला था वो काफ़ी अच्छे से एकदम फाइन चॉप हो चुका है, जैसा हमें चाहिए होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही तैयार है। और तो चलिए आगे फिर हमें कैसे बनाना है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उस पर मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। और गेहूँ का आटा डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं अजवाइन डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज के पराठे में अजवाइन बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया को काट लिया था। और आप चाहें तो इसमें अपने पसंद से मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। हालांकि मैं प्याज का पराठा बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और आप अपने टेस्ट के हिसाब से बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गीला घोल इसका बनाऊंगी, जैसे हम लोग बैटर बनाते हैं वैसे ही। और 1 कप आटे में 2 कप के लगभग पानी जाता है, लेकिन एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाना है, वो आटे पर डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ आटा होता है कि जो पानी ज़्यादा लेता है और कुछ आटा थोड़े ही पानी में गीला हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बनाना है, जैसे हम लोग डोसे वगैरह का बैटर बनाते हैं लगभग वैसा ही रहता है। बस इसको चेक कर लेना है, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका बैटर बना रही हूँ और एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो बस ऐसे ही मिक्स करके अच्छे से इसका बैटर बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मैं थोड़ा सा और पानी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे लगभग 2 कप के लगभग पानी मैंने पूरे बैटर में यूज़ किया है। 1 कप आटा था तो 2 कप पानी आराम से गया है इसमें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे हमें चाहिए वैसे ही इसका बैटर बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल बन के तैयार है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने देसी घी का यूज़ किया है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप ये थोड़ा क्रिस्पी पराठा बनाना चाहते हैं तो इसी टाइम पे आप बेकिंग सोडा भी इसमें 1/4 स्पून डाल देंगे तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी पराठे बनेंगे। हालांकि मैं सॉफ्ट पराठा बना रही हूँ इसलिए मैंने नहीं डाला है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम फटाफट से पराठे बना लेते हैं। और मैंने गैस पे पैन रख दिया है और पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है। तो स्टार्टिंग में ऑयल ग्रीस करने से ये चिपकता नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ पराठा बनाने के लिए, जैसे हम लोग डोसा या उत्पम वगैरह बनाते हैं बस बिल्कुल वैसे ही इसे डाल के और अच्छे से फैला देना है। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये ऊपर से ऐसे ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये ऊपर का काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और
इसकी साइड चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिकना शुरू हो चुका था, तो हमने इसे पलट दिया है और थोड़ा सा घी इस पर लगा देंगे। तो बाकी प्रोसीजर वही है जैसे हम लोग नॉर्मल पराठे सेकते हैं, दोनों साइड अच्छे से घी लगा के इसे आप सेक लीजिए। और बस ध्यान रखिए कि आपका पराठा अच्छे से सिका होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ ऐसे ही करके इसे सेक लेना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और इसमें जब मैंने बैटर बनाया था उस टाइम पे आप बेकिंग सोडा भी डाल देंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं। तो ऐसे आप अगर बिल्कुल सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा, नहीं तो आप बेकिंग सोडा भी यूज़ करिए, बहुत अच्छा बनता है। और इसी तरीके से आप मिक्स वेज कोई भी पराठा बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों साइड काफ़ी अच्छे से ये सिक चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से दूसरा पराठा भी बना लेती हूँ। इस तरीके से आप आलू को ग्रेट करके आलू का भी पराठा बना सकते हैं और मिक्स वेज पराठा भी बना सकते हैं, और जो भी पराठे आपको पसंद हैं आप बना सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनता है। और अक्सर होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और फटाफट हमें ब्रेकफास्ट या लंच बॉक्स तैयार करना होता है, तो उसमें इस पराठे को आप बना सकते हैं। और इसी लिक्विड से आप रोटी भी बना सकते हैं, जैसे मैंने इसका डो बताया था। तो एक कप आटा डालेंगे और लगभग 1.5 से 2 कप के लगभग पानी उसमें थोड़ा थोड़ा घोल बना के डालेंगे, और थोड़ा सा आप चाहें तो ऑयल या बटर डाल के इस तरीके से आप सॉफ्ट पराठा प्लेन भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे पराठे को बनाया है, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा पराठा बन के तैयार होता है, सबको बहुत पसंद आता है। और मेरे चैनल पे बहुत सी रेसिपी है शॉर्टकट, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बची हुई चीज़ों से कुछ नया करने की। तो मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा आप सब। और ये आप देख सकते हैं ये पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। इसे आप सब्जी, चटनी, रायता किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, इंस्टेंट बन के तैयार होता है, सबको बहुत पसंद आता है। तो अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ऐसे ही किसी और रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।